गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 4 का। ओके, सो लास्ट टाइम हमने जो है वो कक्षा 4 में हमारा पोयम नंबर 5 धम्मक धम्मक आता हाथी, ये जो है मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थी और आपको घर से ये लिखने को भी दी थी और उसके शब्दार्थ भी हमारे हो गए थे। आज हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय की तरह स्वाध्याय करेंगे। ओके, आई होप सभी बच्चे जो है यहाँ से जो भी होमवर्क मिल रहा है अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो चैप्टर है, जो पोयम है, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको रीडिंग भी आना चाहिए ना लिखने के साथ साथ। तो लिखना जो प्रॉपर है वो भी बहुत ज़रूरी है और रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बहुत आपको करना पड़ेगा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास से। तो क्वेश्चन 1 दिया है, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। मतलब आपको कविता गानी है और उसका अभिनय करना है। आपको क्या बनना है? हाथी बनना है। और कैसे वो सुंड उठाता है, कैसे सुंड गिराता है, कैसे सुंड हिलाता है, सुंड घुमाता है, तो ये आपको पोयम गानी भी है, उसके साथ अभिनय यानी कि डांस करना है, तो ये आपको घर पे करना है। उसके बाद है प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यानी कि आपको पता है ना, कैसे फिल्म में या फिर टीवी में आप देखते हो तो हीरो या हीरोइन एक्टिंग करता है ना, वैसे ही आपको एक्टिंग करनी है। तो किसकी एक्टिंग करनी है? देखो, फर्स्ट दिया आपको रोना, यानी कि आप रोते हो तो रोने की एक्टिंग करनी है। दूसरा है हंसना, हंसने की एक्टिंग करनी है। उसके बाद है पटाखे छोड़ना, तो आप जो पटाखे फोड़ते हो उसकी एक्टिंग करनी है। उसके बाद है कपड़े धोना, तो कपड़े धोने की एक्टिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों की एक्टिंग करनी है। तो ये सिर्फ आपको क्या है, अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है, लिखना कुछ नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 3, पढ़िए और समझिए। तो ये सारे वर्ड जो है वो आपको नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं। कितने टाइम? 2 टाइम नोटबुक में बोलते भी जाना है और लिखते भी जाना है। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपको वीडियो में देख के हर एक वर्ड 5-5 टाइम बोलना है और 2 टाइम नोटबुक में लिखना है। उठाना मतलब उठाना, आना मतलब आना, छोटा छोटा, ऊंचा ऊंचा, पकड़ना पकड़ना, गिराना गिराना, जाना जाना, बड़ा बड़ा, नीचा नीचा, छोड़ना मतलब छोड़ देना। ओके, ये सिर्फ यही क्वेश्चन लिखना है किसमें? अभ्यास में, क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक में। उसके बाद ये ब जो है वो आपको नहीं करना है। उसके बाद है प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। मतलब सिर्फ आपको सोचनी है कि इसमें कहानी क्या बनेगी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर में दिया है कि एक फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, जंगल है जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे एनिमल दिख रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ कि जंगल में जो राजा था, राजा कौन होता है आपको तो पता ही होगा, शेर जो है वो जंगल का राजा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे एनिमल दिए हुए हैं, रैबिट है, डियर है, स्नेक है, बुलॉक है ना, कैमल है, तो ये सारे एनिमल्स हैं। तो उन सब की बारी थी हर रोज़ राजा के पास जाने की। क्या ये राजा क्या करता था कि उसमें से हर रोज़ एक एनिमल को खा जाता था। तो एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी, यानी कि रैबिट की बारी आई। तो रैबिट ने बोला कि अरे, मैंने तो आपके जैसा दूसरा भी राजा देखा है। तो वो बोला कि कौन है वो, चलो मुझे दिखाओ। तो रैबिट ने क्या किया, रैबिट को तो वो राजा खाने वाला था ना, शेर खाने वाला था। तो फिर रैबिट को लगा कि मुझे खुद को बचाने की एक ही तरकीब है। तो उसने क्या तरकीब सोची थी, चलो देखते आगे। तो वो लोग जाते और बोलते हैं कि मैंने एक कुएं के पास आपके जैसा दूसरा शेर देखा है। तो वो दोनों कहाँ पे जाते हैं? कुएं के पास। तो शेर जो है वो अपना दिमाग नहीं चलाता है, तो शेर जो है वो कुएं के पानी में देखता है, तो उसे अपना मुंह दिखता है। तो उसे लगता है कि मेरे जैसा दूसरा शेर है, तो उसको क्या लगता है, चलो मैं इस शेर को मार डालता हूँ, तो फिर ये जो खरगोश है वो मुझे खाने को मिलेगा। ओके, तो ये जो शेर है वो कुएं में कूद जाता है। तो क्या होता है कि शेर जो है कुएं में कूद जाता है, तो वो मर जाता है और खरगोश जो है वो बच जाता है। तो किड्स यही कहानी है,
सिर्फ आपको कहानी सुननी थी और आपको कहानी ये सुनने के बाद फिर से आपको बोलनी थी, ओके। उसके बाद है स्वाध्याय। तो चलो स्वाध्याय के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको किस में लिखने पड़ेंगे, नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, कंपलसरी है। ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको लिखने हैं नोटबुक में, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाथी किस तरह से आता है, यानी कि हाथी जो है वो किस तरह से आता है। तो हमें पता ही है कि धम्मक धम्मक आता हाथी और धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो हाथी जो है आता भी धम्मक धम्मक है और जाता भी धम्मक धम्मक है। तो हम क्या लिखेंगे आसन में कि हाथी धम्मक धम्मक आता है। क्या लिखना है आपको, हाथी धम्मक धम्मक आता है। किड्स मैंने आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, लेकिन आप सबको किस में लिखने हैं, नोटबुक में, स्वाध्याय का हेडिंग लगा के, क्वेश्चन वन का हेडिंग लगा के, बाद में क्वेश्चन वन लिख के उसके बाद उसका आंसर, ओके। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, नहाने के लिए हाथी सुंड में क्या भरता है। तो हाथी को नहाना है तो हाथी सुंड में क्या भरेगा। तो आपको पता ही है कि आप नहाते हो तो किससे नहाते हो, ऑब्वियसली पानी से नहाते हो। तो हाथी भी किससे नहाएगा, पानी से नहाएगा। तो आपको पूरा आंसर लिखना है कि नहाने के लिए हाथी सुंड में पानी भरता है, ओके। पूरा आंसर लिखना है, नहाने के लिए हाथी सुंड में पानी भरता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो हाथी क्या खाकर बताता नहीं है, तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी कितने केले खाता है वो हमें नहीं बताता है। तो आपको लिखना है, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। हाथी जो है वो अपनी सूंड में पानी भरता है ना, तो वो कहाँ पे डालता है और क्यों डालता है। तो हाथी पानी से नहाने के लिए अपने ऊपर डालता है, यानी कि हाथी जो है उसे पानी से नहाना है तो वो उस पानी को किसके ऊपर डालेगा, अपने ऊपर, यानी कि हाथी उसके अपने शरीर पर डालेगा, ओके। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर, फोर क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको अच्छे से वीडियो में देख देख के ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में विद द गुड हैंड राइटिंग लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न टू, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए, ओके। तो आपको यहाँ पे जो चित्र दिया है उसमें हाथी के कुछ पार्ट्स ड्रॉ नहीं हुए हैं, तो हम उसे ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से यहाँ से, ओके। तो मैं यहाँ से उसे अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। चलो मैंने यहाँ पे उसकी जो सूंड थी वो कंप्लीट कर दी, यहाँ पे उसका सिर है वो, यहाँ पे उसकी जो पूंछ है वो कंप्लीट कर दी मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ पे उसका एक पैर नहीं है तो वो हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आपको ये पैर कंप्लीट करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक पैर कंप्लीट कर दिया है, उसकी जो पूंछ है वो हमें कंप्लीट करनी है, ओके। तो उसकी जो पूंछ है वो बहुत छोटी होती है, तो आपको ऐसे हाथी की पूंछ बनानी है, ओके। तो ये जो हाथी जो है वो हमारा तैयार हो गया है, ओके। अगर आपको कैसे बनाना है समझ में ना आए तो हाथी आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो आप उसमें से देख के बना भी सकते हो। और पूंछ के नीचे ये थोड़ा सा ऐसा भी बनाना है, उसमें आपको कलर भी करना है। तो हाथी के कौन कौन से पार्ट्स बनाए, उसकी ये जो सूंड है, उसका माथा, उसकी पूंछ और उसका पैर, तो ये सब हमने क्लियरली अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अभी आप सबको इसमें से अच्छे से रंग कर कलर करना है और अच्छे से हाथी को आपको डेकोरेट करना है, ओके किड्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।